subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, रिलायंस इंफ्रा में अगर आपने देखा है जो है अपर सर्किट लगता हुआ देखने को यहाँ पे मिल रहा है, इसके पीछे क्या अपडेट है या फिर क्या इन्फॉर्मेशन है, बोल सकते हैं कि बहुत सारे अपडेट ये स्टॉक को लेके अभी देखने को मिला है रिलायंस इंफ्रा को लेके। और अगर आपने हमारे पुराने वीडियोस देखा रहेगा, रिलायंस इंफ्रा का स्टॉक का प्राइस जब दोस्तों 30-35 रुपए के आसपास चल रहा था, बहुत बार हम लोगों ने स्टॉक को लेकर रिसर्च किया है और यहाँ पे जो बोल सकते कि बहुत बार हम लोगों ने बताया कि ये स्टॉक में जो है क्या चल रहा है, क्या अपडेट है। और अभी स्टॉक का प्राइस 121 क्रॉस कर लिया है, फिर 121 के आसपास चल रहा है। बहुत ही बढ़िया रिटर्न ये शेयर में देखने को मिला है। अगर आप ये शेयर कुछ ही महीने के अंदर खरीदा है, अगर आपने ये शेयर कुछ ही महीने के अंदर लिया है, तो आपको पता रहेगा कि जबरदस्त एक रिटर्न यहां पे देखने को मिला है। एडीएजी का कुछ शेयर्स में से एक बोल सकते हैं कि रिलायंस इंफ्रा जो इतना रिटर्न दिया है कुछ ही दिनों के अंदर। तो दोस्तों 6 महीने के अंदर अगर ये शेयर का जो है प्राइस देखते हैं तो बोल सकते हैं कि यहां पे जो देखने को मिल रहा है लगभग 60.30% के आसपास रिटर्न दिया है। वही अगर देखेंगे तो रिलायंस इंफ्रा के या फिर माफ कीजिए एडीएजी के बहुत सारे शेयर्स में जो गिरावट भी बनता हुआ दिखा है, 1 month के अंदर ये स्टॉक का देख सकते हैं 21.17% का रिटर्न देखने को मिला। वही 5 days के अंदर दोस्तों यहाँ पे जो देखने को मिल रहा है 5 days के अंदर भी ये शेयर ने एक भारी रिटर्न दिया है जो कि 18.10% के आसपास, और 1 day में देखेंगे तो स्टॉक में जो है अपर सर्किट लग गया है। तो यहाँ पे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो स्टॉक को लेकर देखने को मिला है, कोशिश करेंगे जो भी इन्फॉर्मेशन इस शेयर को लेकर एक छोटा सा वीडियो के माध्यम से शेयर किया जाए आपके साथ। रिक्वेस्ट करेंगे वीडियो पे पूरा बने रहिए, केपी स्किप मत कीजिए ताकि आपको एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन मिल जाए। दोस्तों वीडियो को यहाँ पे शुरू करने से पहले बताना चाहेंगे, अगर आपको एक ट्रेडिंग एंड डीमैट ओपन करना है एंजल ब्रोकिंग से, आप स्टॉक से या फिर एलआईसी से, तो उसका लिंक हम लोगों ने वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे दिया है। अगर आपको कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट करने के ओपन करने के लिए, आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर अगर आप अकाउंट ओपन करते हैं तो आप हमें ईमेल करके भी इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। तो आपको कुछ भी उसके बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए और भी ज्यादा स्टॉक को लेकर या फिर डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट को लेकर, हम लोग कोशिश करेंगे उसका इंफॉर्मेशन आपको दिया जाए। तो चलिए शुरू करते हैं अभी स्टॉक की बातें। तो रिलायंस इंफ्रा का दोस्तों हम लोगों ने देखा है कि स्टॉक में क्या चल रहा है, बीच में स्टॉक का प्राइस 90 रुपए के बाद जो है एक गिरावट दिखाया था और फिर से अभी एक शानदार रिटर्न यहां पे देखने को मिल रहा है, एक शानदार तेजी स्टॉक में देखने को मिल रहा है। तो चलिए पूरा समझते हैं बात को, क्यों ये स्टॉक में एक तेजी बन रहा है, क्यों ये शेयर में जो एक अपर सर्किट हम लोगों को लगता हुआ देखने को मिल रहा है। दोस्तों जैसे कि हम लोगों को पता है कि रिलायंस इंफ्रा के साथ-साथ मतलब एडीजी के जो भी शेयर्स है सबका वही इश्यूज था कि या फिर इश्यूज है कि डेब्ट ज्यादा है कंपनी के, फिर बहुत जगह इन लोगों का पेमेंट अटका हुआ है। तो यहां पे रिलायंस इंफ्रा को लेकर एक बहुत बड़ा अपडेट देखने को मिल रहा है कि अनिल अंबानी कंपनी गॉट पेमेंट, इन्वेस्टर्स गॉट ट्रेमेंडस बेनिफिट। तो यहाँ पे जो है अनिल अंबानी का जो कंपनी है रिलायंस इंफ्रा के बारे में बात किया जा रहा है, अनिल अंबानी की जो कंपनी है रिलायंस इंफ्रा, इसको जो है पेमेंट मिला, एक बहुत बड़ा अमाउंट मिला है। उसी के चलते देखेंगे तो रिलायंस इंफ्रा के जो शेयर होल्डर्स है जिसके पास भी शेयर है रिलायंस इंफ्रा का, उनको एक बहुत जबरदस्त हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पे रिटर्न देखने को मिला है। तो चलिए यहाँ पे पूरी बात को समझते हैं, रिलायंस इंफ्रा को कहाँ से पेमेंट मिला है या फिर इन्वेस्टर्स जो है रिलायंस इंफ्रा में जो इन्वेस्ट किया है उनके लिए यहाँ पे क्या अच्छा अपडेट्स है, उनके लिए यहाँ पे क्या अच्छा बोल सकते कि अपडेट वगैरह जिसके चलते स्टॉक में या फिर उनको जो एक अच्छा फायदा हो सकता है। गुड न्यूज हैज कम अबाउट दिल्ली मेट्रो एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड, ए सब्सिडियरी ऑफ अनिल अंबानी रिलायंस इंफ्रा। आफ्टर द अराइवल ऑफ दिस न्यूज द इन्वेस्टर्स ऑफ रिलायंस इंफ्रा हैव मेड अ ट्रेमेंडस प्रॉफिट। तो हम लोग को पता है कि दिल्ली मेट्रो एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड जो है उसका और रिलायंस इंफ्रा का बहुत दिन से जो है बातचीत चल रहा था, जो अमाउंट है वो लेके उसको लेके। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि एक्चुअली रिसेंटली द दिल्ली मेट्रो रेलवे रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड हैज पेड द ड्यूज ऑफ DAMEPL। इवन मिस्टर हरदीप सिंह पुरी हैज आल्सो गिवन दिस इंफॉर्मेशन इन द लोकसभा ऑन थर्सडे। ही इन्फॉर्म दैट दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन हैज ऑलरेडी डिपोजिटेड 1,678.48 करोड़ इन द एस्क्यू अकाउंट ऑफ DAMEPL एंड इट्स लेंडिंग बैंक्स। तो ये एक अपडेट है जहाँ पे बोल सकते हैं कि एक बहुत बड़ा, क्योंकि 1,678.42 करोड़ के आसपास जो है पेमेंट दिया गया है यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और इसी न्यूज़ के चलते, ये अपडेट के चलते जो है स्टॉक में एक ज़बरदस्त तेजी हम लोग को बनता हुआ दिखा और स्टॉक में जो है अपर सर्किट लगा हुआ है। तो चलिए यहाँ पे पूरी बात को समझते हैं। एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन केम इन टू सर्विस ऑन 23 February 2011 एट ए कॉस्ट ऑफ ₹2,885 करोड़ एंड वॉज फाइनेंस बाई DAMEPL's प्रोमोटर्स फंड बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। स्टॉक बूम इन्वेस्टर रिच। तो यहाँ पे आप ये चीज ध्यान दे सकते हैं कि रिलायंस इंफ्रा स्टॉक ऑन द राइज
सिंस द न्यूज ऑफ द पेमेंट। जैसे ही ये पेमेंट का अपडेट आया है, जैसे कि ये अपडेट आया कि पेमेंट जो है डिका जो है मिल गया है, उसी के बाद जो शेयर में बोल सकते हैं कि बहुत ही ज्यादा जो है तेजी स्टॉक में देखने को मिला है। और यहाँ पे देख सकते हैं कि ऑन द लास्ट ट्रेडिंग डे ऑफ द वीक द स्टॉक गॉट अपर सर्किट, स्टॉक प्राइस इज रुपीज 1.22 विच इज 52 वीक का हाई प्राइस दे दिया दोस्तों, सिर्फ एक ये न्यूज के चलते कि उसको जो है पेमेंट मिल गया, क्योंकि बहुत बड़ा पेमेंट है और उसी के चलते जो है स्टॉक में एक अपर सर्किट लगा है। तो बहुत ही बढ़िया बोल सकते हैं कि स्टॉक में ये इंफॉर्मेशन देखने को मिल रहा है। और उसी के साथ अगर देखेंगे तो रिलायंस कैपिटल वगैरह अगर आप देखते हैं तो रिलायंस कैपिटल का भी थोड़ा यहाँ पे इंफॉर्मेशन दे देते हैं, क्योंकि एडीजी ग्रुप का एक शेयर है। रिलायंस कैपिटल का देखेंगे तो रिलायंस कैपिटल का एक अपडेट ये है कि जो अभी Q3 का रिजल्ट आया है, अगर आपने वो देखा है तो उसमें देख सकते हैं कि जो कंपनी का जो लॉस था वो नैरो डाउन किया है, जो कि 1759 करोड़ का लॉस हुआ है। और एक साल पहले के इसी क्वार्टर का देखेंगे जो कि 3966% के आसपास था, 3966 करोड़ के आसपास था। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो एक साल के अंदर जो यहाँ पे क्वार्टर का इन्फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है, तो लगभग दोस्तों 50% के नीचे जो है ये लॉस देखने को मिला है। ये एक बोल सकते हैं कि अच्छा अपडेट है। फिलहाल अगर देखेंगे तो रिलायंस कैपिटल तो इंसॉल्वेंसी में है, तो यहाँ पे ये एक अच्छा अपडेट है रिलायंस कैपिटल को लेके, क्योंकि जो लॉस है वो कम हुआ है। ऐसा नहीं कि कंपनी का जो प्रॉफिट वगैरह है वो बढ़ गया है, जो लॉस है वो कम हुआ है। वही अगर देखेंगे तो रिलायंस कम्युनिकेशन वगैरह में भी अगर आप देखते हैं तो बहुत दिन से हम लोग देखा है कि स्टॉक में अच्छा खासा एक तेजी बन रहा है, फिर अपर सर्किट भी बहुत बार दिया है। फिलहाल रिलायंस इंफ्रा का 52 का हाई प्राइस दिया है, रिलायंस इंफ्रा ने अभी एक बहुत बड़ा पेमेंट लिया है या फिर पेमेंट रिलायंस इंफ्रा को आया है, इसके चलते अगर देखेंगे तो स्टॉक में जो अपर सर्किट लगा हुआ है। तो कोई अगर नया इन्वेस्टर है, कोई अगर नया यहाँ पे खरीदारी करना चाहते है ये शेयर में, तो जो हमारा ओवरव्यू है दोस्तों, फिलहाल ये पेमेंट के चलते तो एक अपर सर्किट देखने को मिल रहा है। तो जैसे कि हम लोग देखा है कि रिलायंस इंफ्रा के साथ साथ मतलब एडीजी के जो भी शेयर्स है अपर सर्किट तो देखने को मिलता है, वैसा ही जो स्टॉक में एक गिरावट भी बनता हुआ दिख सकता है। तो रिलायंस इंफ्रा का अभी जो ये न्यूज है पेमेंट, उसके चलते स्टॉक में अपर सर्किट आया। तो कोई अगर नया अभी खरीदना चाहते हैं तो हो सकता है कि यहाँ से आपको थोड़ा रिटर्न देखने को मिल जाए। और किसी ने अगर ये शेयर कम प्राइस में लिया है दोस्तों, 90-100 रुपए के आसपास भी, जैसे कि हमने देखा कि स्टॉक का प्राइस था इसके पहले, जैसे कि बहुत बार हमने देखा कि स्टॉक का प्राइस जो है 100 के ऊपर गया, उसके बाद स्टॉक में बहुत जबरदस्त गिरावट बनता हुआ दिखा था, बहुत ज्यादा स्टॉक में जो है गिरावट बना था, ऐसा बहुत बार हम लोगों ने देखा है रिलायंस इंफ्रा के शेयर में भी। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो स्टॉक अगर कोई नया खरीदना चाहते हैं तो बहुत ही बोल सकते हैं कि अच्छी तरह से रिसर्च कीजिए। देखिए अच्छा अगर देखेंगे तो एडीएजी के शेयर्स में ही अगर आपको इन्वेस्ट करना है, तो बहुत बार हम लोगों ने इसके पहले ही बताया कि रिलायंस इंफ्रा एक ठीक ठाक शेयर लगता है, ठीक ठाक कंपनी लगता है, जिसके चलते बहुत बार जो इन्वेस्टर्स को एक अच्छा रिटर्न भी देखने को मिला। 30-35 रुपए का शेयर जो है 90 रुपए के ऊपर भी पहुंच गया था और अभी 122 में ट्रेड कर रहा है, या फिर 120 के ऊपर जो है ये शेयर ट्रेड कर रहा है। तो फिलहाल यहाँ पे अगर देखेंगे तो जो हमारा ओवरव्यू है दोस्तों, वो शेयर की और कोशिश किया रिलायंस इंफ्रा के शेयर को लेके या फिर रिलायंस इंफ्रा को लेके जो भी अपडेट है, एक छोटा सा वीडियो के माध्यम से वो इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर किया जाए। आशा करते हैं जो भी इन्फॉर्मेशन दिया है अच्छा लगा रहेगा। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।